दीदी और जीजाजी के कमरे से आवाजें आती हैं और उस आवाज को सुनकर तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हो। कल रात को मैंने आपकी और विप्लव की बातें सुन ली थी। हेलो फ्रेंड, जब सास ठरकी हो तो मजा ही कुछ और होता है, जब सास ठरकी है तो मजा ही कुछ और हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्यार चल रहा था अंदर, प्यार कर रहे सब। अब सास को, सास क्या करती है रात्रि के टाइम, क्या करती है कि एक किताब लेती है, पढ़ती है और आवाज़ सुनती है। जब उसका बेटा और उसकी बहू रोमांस कर रहे थे तो बहू आ ऊ करती है, तभी सास उसकी आवाज़ सुनती रहती है। तो सास अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, सास उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, सास का मन होने लगता है आ ऊ, तो सास उसकी तरफ खींची चली जाती है। और जब सास उसकी तरफ खींची गई तो सास और बहू का जो प्यार है वो बढ़ने लग गया। और सास ऐसे करते करते इसी कन्फर्मेशंस को विप्लव ने देख लिया। अब सोचो आखिरकार क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि जब सास इतनी वो है कि अपने आप को वो कर रही है, जब उसके देखो उसका पति है नहीं, पति की डेथ हो गई है, अब बेचारी आखिर करे तो करे क्या। जब कोई और प्यार करता है तो इसका भी मन होता है कि मेरे साथ भी कोई ना कोई आए और मुझे भी प्यार करे, पर साला यहाँ तो कोई है ही नहीं। NRI आया, वो भी आखिरी लास्ट तक वेब सीरीज में कोई प्यार ही नहीं करता। अब सोचो यहाँ पे लड़की से प्यार कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। पर NRI को चाहता तो NRI उस सास को पहल सकता था विप्लव, पर पता नहीं सरीप बन गया, मजा नहीं आया इसमें।